सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कर्मों पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। मुश्किल चाहे जैसी हो, निकलेगा जरूर कोई रास्ता। लाइफ में गिरना भी बहुत जरूरी होता है ताकि ऊपर उठने के अलावा और कोई ऑप्शन ही ना बचे। लोग जरूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं और हम यह सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। आज का पंचांग 22 अगस्त 2020, दिन शनिवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम 7:57 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:54 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:04 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर सुबह 6:06 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:06 से 1:42 तक रहेगा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। वृषभ राशि 22 अगस्त 2020, दिन शनिवार, घर या कार की मरम्मत या नवीनीकरण आपको परेशान कर सकता है। अपने माता पिता या उनके समान किसी के साथ अपने संबंधों में संतुष्ट महसूस करेंगी। आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान आपकी योजना को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आज आपके अंदर का कवि या रचनात्मक कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाएगा। रोमांटिक डेट पर जाने की योजना बनाएं। अपने व्यक्तित्व के रचनात्मक पक्ष को खोजें और इसका प्रयोग संबंधों को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। असफल होना जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर आप असफल होते हैं तभी आपको शिक्षा मिलती है। पिछले कुछ समय से आप अपनी कार्य क्षमता व पर्सनैलिटी को निखारने में बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। सामाजिक काम में आपका भरपूर सहयोग देने के कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी तथा आपकी पहचान भी बढ़ेगी। आज अपने काम में फोकस बनाए रखें और अपना काम ईमानदारी से करते रहें। आपको किसी की बात से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी की बात या नियम पर शक हो तो अपने अंतर्मन की आवाज अवश्य सुने और उस पर अमल करें। अपनी सोच पर नियंत्रण रखें। परिस्थिति का समय के साथ हल मिल जाएगा। जितना उसके लिए परेशान होंगे उतना ही अपने लिए बधाई उत्पन्न करेंगी। सावधानियां, घर के परिवर्तन संबंधित कोई प्लानिंग चल रही है तो उस पर अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। किसी मित्र या पड़ोसी से अनबन होने की आशंका है। अपने क्रोध व आवेग पर काबू रखना आवश्यक है। लव लाइफ की बात करें तो इस समय आपका मन और दिल केवल अपने निवास स्थान पर केंद्रित है। घर को मरम्मत और नवीनीकरण की आवश्यकता है। अपने साथी से विचार विमर्श करके आगे की योजना बनाएं। आपका निस्वार्थ प्रेम उत्साह और योग्यता की सब प्रशंसा करेंगी। लीजिए आ गया है एक आवेशपूर्ण दिन केवल आपके लिए। अपनी नई चाहत के इजहार करने के लिए आज का दिन अच्छा है। बस इसका तरीका कुछ अलग और नया होना चाहिए। आज आप अपने खास दोस्त को किसी डेट पर ले जा सकते हैं। करियर की बात करें तो इस समय आप किसी ऐसे काम की खोज में हैं जो आपको संतुष्टि प्रदान करे। खुदाई मिट्टी या पाइपलाइन से संबंधित कोई बड़ा असाइनमेंट मिल सकता है। रियल एस्टेट में निवेश करने की सोचें। भविष्य में आपको फायदा होगा।
घरेलू मामलों में समय बिताना भी आपको खुश करेगा। आज आप कुछ रचनात्मक करना चाहते हैं। अपने साथी के साथ रोमांटिक डिनर भी आज आपके कार्ड्स में है। आपकी भावनाएं आपके आर्थिक समस्याओं को कम कर सकती है, क्योंकि आज आप बेहद उत्साहित हैं। काम से पहले गहनता से विचार करें, लेकिन जब बात काम करने की आती है तो सोचना समझना छोड़कर कड़ी मेहनत करें। सेहत की बात करें तो कफ और जुकाम से सावधान रहे, क्योंकि आज आप छोटी मोटी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। आपको इन छोटी बीमारियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, अति शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।